रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशिया कप 2023 में दमदार प्रदर्शन किया और खिताब पर कब्जा जमाया। अब भारतीय टीम अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया से टक्कर लेने के लिए तैयार है। इस सीरीज के लिए भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। दरअसल BCCI ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए पहले ही अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें स्पिनर रविचंद्र अश्विन और वशिवर्धन सुंदर को जगह नहीं मिली थी। मगर एशिया कप के दौरान अक्षर पटेल के चोटिल हो जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में अश्विन और सुंदर को मौका दिया गया है। भारत टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 दिन के अंदर 3 वनडे मैच खेलने हैं। ऐसे में वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करने के लिए सुंदर और अश्विन के पास शानदार मौका है। ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के बाद BCCI ने 2 टीमों का ऐलान किया है। शुरुआती 2 मैचों में KL राहुल को कप्तान बनाया गया है, जबकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है। अक्षर पटेल को चोट के कारण टीम से बाहर कर दिया गया है, मगर तीसरे वनडे में इन सभी की वापसी हुई है। अपनी फिटनेस साबित करने पर ही अक्षर पटेल को तीसरे वनडे में मौका मिलेगा, जबकि अश्विन और सुंदर को 3 मैचों में रखा गया है। ऐसे में अक्षर पटेल के लिए खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सुंदर और अश्विन के पास वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह पक्की करने का सुनहरा मौका है। दरअसल BCCI ने वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान पहले ही कर दिया है, मगर ICC के मुताबिक वनडे वर्ल्ड कप में खेलने वाले सभी 10 देशों के पास 28 सितंबर तक अपनी टीम में बदलाव करने का मौका है। 5 दिनों के अंदर होने वाले इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के ठीक अगले दिन यानी 28 सितंबर को वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत की फाइनल टीम का ऐलान हो सकता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि 5 दिन की अग्नि परीक्षा के दौरान भारतीय प्लेयर्स के पास वनडे वर्ल्ड कप में जगह पक्की करने का मौका रहेगा। इस सीरीज में जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसका रिजल्ट उन्हें 28 सितंबर को मिल सकता है। इसमें खास नजरें अक्षर पटेल, सुंदर और रविचंद्र अश्विन पर रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें KL राहुल, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, वशीकरण सुंदर, रविचंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है।